मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निरीक्षण के उपरांत प्रयागराज मेला प्राधिकरण स्थित ICCC सभागार में माघ मेला एवं महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों के संबंध में कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि यह माघ मेला आगामी महाकुंभ के रिहर्सल के रूप में लिया जाए। 2025 के प्रयागराज कुंभ यानी महाकुंभ की तैयारी देखने का एक अवसर मिला है। मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी की एक ट्रायल करने के लिए, उसके एक प्रारंभिक भूमिका तैयार करने के लिए और पूरी टीम उसी दिश से यहाँ पर कार्य कर रही है। समीक्षा बैठक में मेलाधिकारी विजय किरण आनंद ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मेले के प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियों की जानकारी, क्षेत्रफल, सेक्टरों की संख्या, घाटों की संख्या व लंबाई, कल्पवासियों की संख्या, प्रमुख स्नान पर्वों पर अनुमानित श्रद्धालुओं की संख्या, भूमि आवंटन, चिकित्सा केंद्रों, शौचालयों सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने इस बार माघ मेले में महाकुंभ के आयोजन के दृष्टिगत इस बार माघ मेले में जो नए अभिनव प्रयोग किए जा रहे के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि इस बार वाटर लेजर, थीमेटिक गेट्स, फ्लोटिंग जेटी, ड्रोन मॉनिटरिंग, सैनिटेशन ब्लॉक, सोलर स्ट्रीट लाइट, थीमेटिक लाइट सहित अन्य नए प्रयोग माघ मेले में किए जा रहे हैं। पहली बार यहां पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहां पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। पहले की तुलना में इसको बढ़ाने की कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं, पेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। इसके अलावा अन्य तमाम विभागों के द्वारा जो भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो सकती हैं उनको यहां विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग हमारा अनुमान है कि 4000 के आसपास संस्थाएं इस पूरे आयोजन में यहां सहभागी बनेंगी और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगी। इसके लिए चाहे वह चेकर प्लेट का हो, लगभग इसमें इसकी व्यवस्था भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ये बिछेंगी। यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो व्यवस्था की जा रही है लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन इस पूरे माघ मेला क्षेत्रफल में बसाने की व्यवस्था भी की गई है। 18,000 से अधिक LED स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ड्रेनेज पाइप भी यहाँ पे लगभग 63 से 65 किलोमीटर की बिछाने की कार्रवाई की जा रही है और 21,000 शौचालय, एक स्वच्छ और भव्य कुंभ के लिए शौचालय की अपनी व्यवस्था है। यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था भी माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए की जा रही है। और इस पूरे व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने स्नान घाट की व्यवस्था भी यहाँ पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से 8,000 फीट से अधिक के जो है घाट, स्पेशल घाट यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मेले की दृष्टि से। गत वर्ष की तुलना में कल्पवासियों की संख्या बढ़ने की भी यहाँ पे संभावना है और उसी को ध्यान में रखकर के सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी ने माघ मेला में पार्किंग व यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। कहा कि पार्किंग स्थल का चिन्हांकन ऐसे स्थानों पर किया जाए जो मेला क्षेत्र से दूर न हो, जिससे साधु संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बुजुर्ग कल्पवासियों को मेला क्षेत्र तक पहुंचाने की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने PWD, सिंचाई, विद्युत, पर्यटन, जल निगम, यातायात सहित अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को 31 दिसंबर तक माघ मेले से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य हो या फिर यहाँ पर पार्किंग के स्पेस को, कोई भी श्रद्धालु को, कल्पवासी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था और उस प्रकार के सुविधा देने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। CM योगी ने PWD विभाग को सुव्यवस्थित ढंग से मेला क्षेत्र संबंधी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मैन पावर को बढ़ाकर पांटून पुलों के निर्माण सहित अन्य कार्यों को 31 दिसंबर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को गंगाजी में पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था, जल की शुद्धता, नदियों में सीधे नाले का गंदा पानी किसी भी हाल में न गिरने पाए, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रयागराज में आने वाले पर्यटकों की सुविधा को किसी ऐसे ऐप गूगल या किसी अन्य माध्यम से ऐसा डिजिटलीकरण करें जिससे कि प्रयागराज में आने वाले पर्यटकों को यहां के पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी हो सके और वे आसानी से जा सके। मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए कहा है। उन्होंने कौशाम्बी से प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पार्किंग एवं ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा जिससे प्रमुख स्नान पर्वों पर शहर वासियों एवं मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न होने पाए। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री लोक कल्याण विभाग जितिन प्रसाद, मंत्री औद्योगिक विकास नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद केशरी देवी पटेल, महापौर गणेश केसरवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वी के सिंह, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, पीयूष रंजन निषाद, डॉक्टर वाचस्पति, गुरु प्रसाद मौर्य, प्रवीण पटेल, विधान परिषद सदस्य निर्मला पासवान, सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगणों के अलावा शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारीगणों के अलावा एडीजी जोन भानु भास्कर, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस आयुक्त रमित शर्मा, मेलाधिकारी विजय किरण आनंद, जिलाधिकारी नवीन सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।